बिजी में चेक बाउंस की एंट्री हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि चेक बाउंस से हमारा मतलब क्या है और ये क्या होता है। जैसे कोई भी हमारी पार्टी है, वो हमसे माल लेती है। अब माल के अगेंस्ट में जब भी पार्टी हमको पेमेंट देती है तो वो हमको चेक दे देती है। हम उस चेक को बैंक में लगाते हैं, चेक पास होता है और उसके बाद जो चेक होता है वो रिवर्स हो जाता है। इसको हम चेक बाउंस होना बोलते हैं। इसकी एंट्री हम बिजी में कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर मैं किसी भी पार्टी का लेजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एक सेल बिल इशू कर रखा है। अब इस बिल के अगेंस्ट में पार्टी हमको एक चेक दे देती है। 1 तारीख का ये बिल है तो पार्टी हमको 2 तारीख का एक चेक बना के दे देती है। इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। चेक नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। क्रेडिट करेंगे हम राम एंड सन्स को। अमाउंट है हमारा 3,13,600। यहाँ पर हम बैंक को सिलेक्ट करेंगे और इस एंट्री को सेव करेंगे। ये हो गई हमारी रिसिप्ट की एंट्री। अब सेम डेट के अंदर ये चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है चेक के ऊपर साइन मैच नहीं हुए, या अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं था, चेक के ऊपर डेट में कुछ इशू था, या और कोई भी रीज़न। तो अब चेक जो है बाउंस हो चुका है। तो अब बाउंस चेक की एंट्री हम कैसे करेंगे? बाउंस चेक की एंट्री करने के लिए हम पेमेंट वाउचर को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम डेट डालेंगे, चेक हमारा कब बाउंस हुआ है। यहाँ पर हम चेक नंबर डाल देंगे। यहाँ पर हम वापस से डेबिट करेंगे पार्टी के अकाउंट को। यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे 3,13,600। यहाँ पर हम बैंक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी अमाउंट आ जाएगा 3,13,600। अब इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे लॉन्ग नरेशन के ऊपर। यहाँ पर हम नरेशन के अंदर डाल देंगे चेक बाउंस और रीज़न लिख देंगे कि चेक हमारा क्यों बाउंस हुआ है। इसको हम सेव करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने पहले बिल बनाया था, उसके अगेंस्ट में हमको चेक रिसीव हुआ तो हमने रिसिप्ट की एंट्री की। यहाँ पर अकाउंट 0 हो गया। इसके बाद ये चेक बाउंस हो गया तो वापस से जो बैलेंस है वो वही आ गया है 3,13,600। अब अगर कोई भी चेक अगर हम बैंक में लगाते हैं और वो बाउंस हो जाता है तो जो भी हमारा बैंक है वो चेक बाउंस कराने के लिए हमारे अकाउंट से कुछ चार्ज काटता है। अब ये जो भी चार्ज बैंक हमारे अकाउंट से काटता है उसको हम 2 तरीके से दिखा सकते हैं। पहला तरीका है, अब क्योंकि चार्ज हमको पार्टी की वजह से लगा तो इस चार्ज को हम पार्टी के अकाउंट में दिखा देंगे। पेमेंट वाउचर हम ओपन करेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे, डेबिट करेंगे पार्टी के अकाउंट को। जो भी चार्ज हमको लगा उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। बैंक को सिलेक्ट करेंगे, लॉन्ग नरेशन के अंदर हम लिख देंगे चेक बाउंस चार्जेस अगेंस्ट जो भी चेक नंबर होगा उसको हम यहाँ पर बता देंगे। इस वाउचर को हम सेव करेंगे। जो चेक बाउंस के चार्जेस हैं वो पार्टी के अकाउंट में ऐड हो गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। जो हमारे बैंक चार्जेस हैं हम चाहते हैं कि वो पार्टी के अकाउंट में हम ना डालें, तो इस केस में यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे बैंक चार्जेस, जो भी अमाउंट होगा उसको हम यहाँ पर डालेंगे। बैंक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग नरेशन के अंदर हम लिखेंगे चेक बाउंस चार्जेस अगेंस्ट जो भी चेक नंबर होगा, साथ में पार्टी का नाम डाल देंगे और इस वाउचर को सेव करेंगे। तो अब जो भी चेक बाउंस के चार्जेस हैं वो बैंक चार्जेस वाले लेजर के अंदर हमको शो होंगे। तो ये हमारी चेक बाउंस की कंप्लीट एंट्री है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।